55 से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े व साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एक ही छत के नीचे। किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, राधा किशन सुपर मार्केटिंग बूंदा बाबू कॉम्प्लेक्स दमोह बाजार से कम कीमत पर उपलब्ध। होम शॉपिंग शोरूम शादी विवाह के संपूर्ण फर्नीचर के साथ आपके घर को सजाना, फर्नीचर की अच्छी रेंज के साथ बाजार से कम दामों की गारंटी। हमारा पता हटा रोड हटा नाका गुलाब बाबा मंदिर के बाजू में दमोह। एक बार अवश्य पधारें। गद्दे, चादर, पर्दे, डोरमेट, सोफे की गद्दी व कवर, दोहर, कंबल, रजाई मिलने का स्थान अप्सरा इंटरप्राइजेज बजाजी लाइन दमोह। दमोह जिले में दिन दहाड़े करीब 1,60,000 रुपए की लूट का मामला सामने आया। पुलिस से इसकी शिकायत की गई। कोतवाली थाना पुलिस के द्वारा मामला फर्जी समझ में आने पर पुलिस के द्वारा तत्कालीन CCTV कैमरे खंगाले गए, जिसके बाद चंद घंटों में कोतवाली पुलिस के द्वारा इस मामले का खुलासा कर दिया गया कि यह मामला टोटल फर्जी है, जिसको लेकर दमोह पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के द्वारा विस्तार से जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा गया, आइए सुनते हैं। कल एक इस तरह की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की गई, जिसमें 1,60,000 रुपये लूटे जाने की बात बताई गई, लेकिन जब CCTV फुटेज की जाँच की गई, क्योंकि थाना प्रभारी को फरियादी के रिपोर्ट से लगा मामला फर्जी है, तो तत्काल घटना स्थल पर जाके CCTV फुटेज को देखा, जिसमें संबंधित रिपोर्ट करता एक व्यक्ति को पैसा देता हुआ पाया गया। जब उस संबंधित व्यक्ति को तलब किया गया तो उसने बताया, हाँ, इन्होंने मुझे पैसा दिया था। हालांकि रिपोर्ट करता का कहना था कि हमने बाद में जाके इससे पैसा ले लिया था, तो उसकी बातों से ही प्रथम दृष्टया लग गया था कि मामला झूठा है। अतः ऐसे मामले को सामने लाना भी जरूरी है, लोगों को जागरूक करना भी जरूरी है। झूठी रिपोर्ट करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की गई है। साथ ही लोगों से अनुरोध है कि इस तरह की झूठी रिपोर्टों को करने से बचे, क्योंकि इससे जो है जो अच्छी और गंभीर घटना की जो सच्ची रिपोर्टें होती हैं उसके प्रति भी जो है कहीं ना कहीं संदेह का वातावरण पैदा होता है। तो कम से कम ये भेड़िया वाली कहानी ना करें, जो भी घटना हो सच रिपोर्ट करें, नहीं होती है तो रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं।